हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है जनरल लेजर एंड फैक्टरी लेजर। बहुत छोटा सा, मुख्तसर सा, आसान सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होती है स्टूडेंट्स को इसमें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ये टॉपिक क्या है और क्या एक्सप्लेन करता है हमें। अगर आपने ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो बराए मेहरबानी लेक्चर्स उसके सुन लीजिएगा। उसका लेक्चर्स भी मौजूद है ब्रांच अकाउंटिंग के चैनल पे, और साथ साथ ब्रांच अकाउंटिंग का एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक। इसके अलावा आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी होगी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और अगर नहीं पढ़ी तो वो भी पढ़ लीजिए क्योंकि वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो ये दोनों चैप्टर्स जो है वो आपने पढ़े होंगे, ब्रांच अकाउंटिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। बेसिकली जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर इन दोनों टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है। यानी अगर आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की एंट्रीज याद हैं और ब्रांच अकाउंटिंग का अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपका ये चैप्टर जो वो इजीली कवर हो सकता है। अब बेसिकली ये चैप्टर है क्या, यानी क्या है इसकी लॉजिक, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है ब्रांच का। एक हेड ऑफिस होता है, एक ब्रांच होती है, दोनों के दरमियान मामलात होते हैं। ब्रांच को कुछ चीज़ों की इजाज़त होती है, कुछ चीज़ों की इजाज़त नहीं होती है। तो ये हेड ऑफिस और ब्रांच के मामलात होते हैं जिन्हें हेड ऑफिस भी रिकॉर्ड करता है और ब्रांच भी रिकॉर्ड करती है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो सिर्फ हेड ऑफिस की बुक में रिकॉर्ड होते हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो सिर्फ ब्रांच की बुक में रिकॉर्ड होते हैं, और कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शन्स। बिल्कुल इसी तरीके से फैक्ट्री और उसका ऑफिस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं, लेकिन मेरा जो ऑफिस होगा वो किसी अच्छी जगह पर होगा, यानी क्लिफ्टन डिफेंस साइट, कोई अच्छी जगह पर। तो वहाँ पर होगा मेरा ऑफिस जहाँ पर मेरे कस्टमर्स आ सकते हों, मेरे सप्लायर्स मुझसे मुलाकात कर सकते हों, अच्छी, बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंटेन हो ऑफिस, ठीक है। लेकिन जहाँ मेरी प्रोडक्ट बनती है, यानी जहाँ मेरी कोल्ड ड्रिंक्स बनती होगी, वो जगह होगी शहर से थोड़ी दूर, यानी कोई इंडस्ट्रियल एरिया होगा जहाँ पर सिर्फ फैक्ट्रीज मौजूद होंगी। उसका रीज़न ये है कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है बेसिकली वहाँ पर मशीन्स होती हैं, मशीन्स होती हैं तो शोर होता है, शोर होता है तो बातचीत करने में परेशानी होती है। तो आप अपना ऑफिस और जो फैक्ट्री है वो दो अलग अलग जगहों पर मेंटेन करते हैं आमतौर पर। और अगर आपका बहुत छोटा सा सेटअप है, बहुत छोटी फैक्ट्री है, तो फिर ज़ाहिर है फैक्ट्री के अंदर ही आपको ऑफिस मेंटेन करना पड़ता है, जैसे मेरी फैक्ट्री थी। तो खैर वो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पर। तो ज़रूरी नहीं है कि जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर जो है वो तमाम बिजनेस फॉलो करते हों। अगर सेटअप बड़ा है माशाल्लाह से, तो फिर जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर जो है वो अलग अलग मेंटेन किया जाएगा। अब फैक्ट्री है सपोज़ आपकी साइट एरिया में, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में, और आपका हेड ऑफिस है सपोज कीजिए कि क्लिफ्टन में। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग करता है और फैक्ट्री जो है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करती है। तो कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी होती हैं, कुछ मामला ऐसे होते हैं जो हेड ऑफिस और फैक्ट्री, यानी आपके ऑफिस और फैक्ट्री दोनों के दरमियान जो है वो सिमिलर होते हैं, यानी रेसिप्रोकल होते हैं, तो उन्हें दोनों रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या ऐसे मामलात है कि जिन्हें फैक्ट्री को लिखने की इजाज़त है और किन मामलात को फैक्ट्री को लिखने की इजाज़त नहीं है? तो देखिए, फैक्ट्री को बस कुछ ही चीज़ों के लिखने की इजाज़त है। फैक्ट्री को यहाँ पर कहा जाता है फैक्ट्री लेजर, यानी फैक्ट्री की जो बुक है उस बुक को कहा जाता है फैक्ट्री लेजर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है फैक्ट्री लेजर, यानी फैक्ट्री की जो बुक है उसका नाम है फैक्ट्री लेजर। फैक्ट्री को बस चार चीज़ें लिखने की इजाज़त है। नंबर वन, रॉ मटेरियल। मटेरियल कहाँ पर आता है? मटेरियल फैक्ट्री में आता है, मटेरियल ऑफिस में नहीं आएगा, मटेरियल फैक्ट्री में आएगा। तो फैक्ट्री को इजाज़त है सिर्फ मटेरियल लिखने की, यानी जो भी मटेरियल आएगा वो फैक्ट्री के पास आएगा, और जब फैक्ट्री के पास आएगा तो उसे रिकॉर्ड भी कौन करेगा? फैक्ट्री रिकॉर्ड करेगा। तो मटेरियल रिकॉर्ड करेगा कौन? फैक्ट्री, ठीक है। इसके अलावा वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस से मुराद है जो भी माल प्रोसेस में दिया जाता है। अब प्रोडक्ट जब बनती है तो जाहिर सी बात है माल प्रोसेस में जाता है, प्रोडक्ट कहाँ बनती है, माल कहाँ प्रोसेस में जाएगा, ये तो आप बता ही सकते हैं कि जो भी माल बनेगा वो फैक्ट्री में बनेगा। हेड ऑफिस को नहीं पता कि कितना माल बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो इसकी रिकॉर्डिंग कौन करेगा? इसकी रिकॉर्डिंग करेगा फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री लेजर में इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो जो भी माल प्रोसेस में जाएगा वो सब का सब माल कौन रिकॉर्ड करेगा? फैक्ट्री रिकॉर्ड करेगा। फैक्ट्री को बताए कि भाई माल बनने में कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितने ओवरहेड लगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा तीसरा अकाउंट जो फैक्ट्री को लिखने की इजाज़त है वो है फिनिश्ड गुड्स। जाहिर सी बात है माल अगर तैयार होगा तो कहाँ तैयार होगा? फैक्ट्री में तैयार होगा। फैक्ट्री को ही पता है कितना माल तैयार हुआ, और माल तैयार होने के बाद वो माल हेड ऑफिस को नहीं डिलीवर किया जाता, बल्कि उस माल को फैक्ट्री अपने पास स्टोर करता है, यानी अपने पास स्टोर में उसको जो है वो मेंटेन रखता है।
तो जो भी माल तैयार हुआ, अगर आपने सारा माल हेड ऑफिस को भिजवा दिया, ऑफिस में भिजवा दिया, तो आपका ऑफिस जो है वो गोडाउन लगेगा, अजीब सी हालत हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए जो भी माल तैयार होता है फिनिश गुड्स, वो सारा माल कौन मेंटेन करता है? फैक्ट्री मेंटेन, यानी फैक्ट्री के पास जो है वो सारा माल तैयार माल मौजूद है, और उसका रिकॉर्ड भी किसके पास है? फैक्ट्री के पास। इसके अलावा फैक्ट्री को एक और अकाउंट लिखने की इजाज़त है, और वो है फैक्ट्री ओवरहेड। इसे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड लिखने की इजाज़त है किसको? फैक्ट्री को। जाहिर सी बात है, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है फैक्ट्री के खर्चे। अब अगर खर्चे फैक्ट्री में हो रहे हैं तो लिखेगा भी कौन? फैक्ट्री लिखेगी। ठीक है, अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें लिखने की फैक्ट्री को इजाज़त नहीं है? मैं बता देता हूँ। ये मैं आप दूसरी बुक मेंटेन करने जा रहा हूँ, हेड ऑफिस की, और हेड ऑफिस की बुक को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? जर्नल लेजर कहा जाएगा। तो यही चैप्टर का नाम है, जर्नल लेजर एंड फैक्ट्री लेजर, यानी हेड ऑफिस की बुक और फैक्ट्री की बुक। ठीक है, अब हेड ऑफिस को किन चीज़ों के लिए? हेड ऑफिस को तो खैर हर चीज़ लिखने की इजाज़त है, लेकिन फैक्ट्री को किन चीज़ों की लिखने की इजाज़त नहीं है? उधार अदा करना है, अकाउंट पेबल। अब अकाउंट्स पेबल, उधार अदा करना, क्या फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप खुद सोचिए, आपको बात समझ आ जाएगी। जी नहीं, फैक्ट्री का काम सिर्फ माल बनाना है, किसको कितना उधार अदा करना है, अकाउंट्स पेबल है, वो फैक्ट्री की जिम्मेदारी नहीं है। अगर फैक्ट्री ने उधार पे कुछ खरीदा भी है, तो फैक्ट्री ये बोल के खरीदेगा कि भाई इसका उधार जो है वो हमारा हेड ऑफिस अदा करेगा, हम तो सिर्फ माल लेकर जा रहे हैं। तो यही मिसाल है कि जो भी पेबल है, जो भी लाइबिलिटी है फैक्ट्री की, वो तमाम लाइबिलिटी किसकी बुक्स में लिखी जाएंगी? जर्नल लेजर में, यानी हेड ऑफिस की बुक में लिखी जाएगी। फैक्ट्री को लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री का काम ही नहीं है लाइबिलिटी पे करना। उसके बाद कैश, फैक्ट्री में कैश नहीं मेंटेन होता। जो भी कैश आता है वो कहाँ से आता है? हेड ऑफिस से आता है। अगर कैश कैश की नीड है फैक्ट्री को, तो फैक्ट्री जो है वो रिक्वेस्ट भेजती है कि भाई हमें कितना कैश चाहिए, क्यों चाहिए, पर्पस क्या है, रीज़न बताना है, वेरिफिकेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ होगा। उसके बाद हेड ऑफिस जो है वो फैक्ट्री को उतना ही कैश भिजवाएगा जितनी नीड होगी पर्टिकुलर काम के लिए। ठीक है, तो कैश कौन मेंटेन करेगा? कैश मेंटेन करेगा हेड ऑफिस। इसके अलावा सेल, फैक्ट्री का काम माल बेचना नहीं है, फैक्ट्री का काम माल बनाना है, मैन्युफैक्चर करना, बस फिनिश गुड्स तक काम है। उसके बाद बेचेगा कौन? हेड ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना माल उसमें से बेचता है, किसको बेचता है, कैसे बेचता है, ये सारा काम किसका है? ये सारा काम है हेड ऑफिस का। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये दोनों पॉइंट्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है, सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जहाँ सेल होगी वहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, क्योंकि इसी की बुनियाद पर आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर सेल्स हेड ऑफिस लिखता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हेड ऑफिस ही लिखेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी फैक्ट्री को नहीं पता, यानी फैक्ट्री को ये बात नहीं पता कि जो माल बिका है उस माल की कीमत कितनी है। फैक्ट्री को पता ही नहीं है कितने का माल कहाँ जा रहा है, कौन बेच रहा है, कैसे पता है। फैक्ट्री का काम सिर्फ माल बनाकर दे देना है बस। इसके अलावा अकाउंट रिसिबल, अकाउंट रिसिबल का मतलब है अगर किसी से उधार लेना है तो उधार लेना फैक्ट्री का काम नहीं है, फैक्ट्री का काम माल बनाना है। उधार लेना किसका काम है? उधार लेना हेड ऑफिस का काम है, यानी जनरल लेजर का काम है। तो उधार भी कौन कलेक्ट करेगा? उधार भी कलेक्ट करेगा हेड ऑफिस। तो ये भी लिखा जाएगा किसकी बुक में? हेड ऑफिस की बुक में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें फैक्ट्री रिकॉर्ड करेगी, इन चार पॉइंट्स को बस। फैक्ट्री को इसके अलावा किसी और अकाउंट को रिकॉर्ड करने की इजाज़त ही नहीं, काम ही नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और अकाउंट बाद में क्रिएट होता है, जैसे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, फिक्स एसेट है, कोई भी अकाउंट इसके अलावा एक्स वाई जेड क्रिएट होता रहता है, जो भी क्रिएट होगा, वो सब किसकी बुक्स में लिखा जाएगा? वो सब हेड ऑफिस यानी जर्नल लेजर की बुक में लिखा जाएगा। फैक्ट्री में अकाउंट फिक्स्ड हैं, चार अकाउंट। ठीक, अब कैसे लिखा जाता है, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मिसाल के तौर पर कि आपने मटेरियल परचेज किया है उधार पर, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में अच्छे तरीके से आप लोग पढ़कर आए, और मैं फिर आपसे रिपीट करता हूँ कि अगर आपने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग नहीं पढ़ी, तो अभी आप फैक्ट्री लेजर और जर्नल लेजर ना पढ़िए, पहले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद इस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो जॉब ऑर्डर, बेशक आप जॉब ऑर्डर के सारे लेक्चर ना देखें, लेकिन जो शुरू के दो लेक्चर्स हैं एटलीस्ट वो देख लीजिए, इंट्रीज वाले लेक्चर। अगर आपने मटेरियल परचेज किया है उधार पर, रॉ मटेरियल परचेज किया आपने उधार पर, तो उसके लिए एंट्री क्या बननी चाहिए? उसके लिए एंट्री बननी चाहिए रॉ मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। रॉ मटेरियल को डेबिट होना चाहिए और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट होना चाहिए। अब मटेरियल कहाँ पर आएगा? मटेरियल आएगा फैक्ट्री में। मटेरियल जो लाकर खरीद के लाके रखा जाएगा, वो कहाँ लाकर रखा जाएगा? वो फैक्ट्री में रखा जाएगा। तो इसे लिखेगा कौन? इसे लिखेगा भी फैक्ट्री, यानी जो रॉ मटेरियल डेबिट किया गया है, इसे लिखेगा कौन? ये फैक्ट्री की बुक में लिखा जाएगा, यानी इसको लिखना फैक्ट्री की जिम्मेदारी है, इसे लिखना हेड ऑफिस की यानी जर्नल लेजर की जिम्मेदारी नहीं है। तो इसे जर्नल लेजर की बुक में नहीं लिखा जाएगा,
रॉ मटेरियल को लिखा जाएगा किसकी बुक में, फैक्ट्री की बुक में। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट में, ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा, रॉ मटेरियल डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब अकाउंट पेबल उधार अदा करना है, उधार कौन अदा करेगा, क्या उधार भी फैक्ट्री अदा करेगी, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उधार अदा करना हेड ऑफिस का काम है। होता क्या है, फैक्ट्री ने माल मंगवाया, अब माल खरीद कर लेकर आएगा, जहाँ से भी माल लेकर आया, माल लेकर आया, बोल रहे पैसा हेड ऑफिस देगा, भाई हमारा काम नहीं है पैसा देना, आमतौर पर भी ऐसे ही होता है। तो माल खरीद लिया, किसने माल खरीदा, फैक्ट्री ने माल खरीदा, मटेरियल आया फैक्ट्री में, लेकिन पैसा कौन देगा इसका, पैसा देगा हेड ऑफिस। तो अकाउंट्स पेबल रिकॉर्ड करना किसकी जिम्मेदारी है, हेड ऑफिस की, यानी जनरल लेजर की जिम्मेदारी है। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे की बात आपको मालूम है अगर आपने ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ी, कि रॉ मटेरियल का वर्ड लिखा जाएगा फैक्ट्री की बुक में और अकाउंट पेबल का वर्ड लिखा जाएगा हेड ऑफिस की बुक में। अब रॉ मटेरियल सिर्फ डेबिट साइड पर है, यानी फैक्ट्री की बुक में सिर्फ डेबिट साइड पर लिखा जा रहा है रॉ मटेरियल, लेकिन फैक्ट्री क्रेडिट में क्या लिखेगा, फैक्ट्री में क्रेडिट की जगह तो खाली हो गई। इसी तरीके से अकाउंट पेबल का वर्ड क्रेडिट में लिखा जाएगा हेड ऑफिस की बुक में। हेड ऑफिस क्या सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड करेगा, हेड ऑफिस कुछ डेबिट नहीं करेगा क्या? तो आधी आधी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, यानी फैक्ट्री की बुक में सिर्फ डेबिट का वर्ड रिकॉर्ड किया जा रहा है और हेड ऑफिस की बुक में सिर्फ क्रेडिट का वर्ड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ब्रांच अकाउंटिंग में ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर आधी आधी एंट्री रिकॉर्ड की जाती हैं दोनों की बुक्स में, हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान, तो फिर दोनों एक दूसरे के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, यानी हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच का लफ्ज इस्तेमाल करता था और ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस का वर्ड इस्तेमाल करता था। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मटेरियल जो है वो फैक्ट्री की बुक में लिखा जाएगा, अब यहाँ पर डेबिट लिखा जाएगा फैक्ट्री की बुक में, क्रेडिट में जगह खाली हो गई, तो फैक्ट्री क्रेडिट में जनरल लेजर का वर्ड इस्तेमाल करेगा। किसी तरीके से अकाउंट पेबल हेड ऑफिस की बुक में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, तो हेड ऑफिस की बुक में डेबिट साइड पर जगह खाली हो जाएगी, तो हेड ऑफिस डेबिट साइड पर फैक्ट्री लेजर का वर्ड इस्तेमाल करेगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बस ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसके हवाले से, जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर के हवाले से। फिर रिपीट करता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है हेड ऑफिस जो आपने पढ़ा था, ब्रांच अकाउंटिंग का और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का। उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसकी एंट्रीज किस तरह से बनाई जाती हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।